एक बड़ी धारणा है शिव को लेके कि ये तो भूत प्रेतों के देवता हैं। ना देखिए, मेरा देवाधिदेव महादेव भूत प्रेतों का देवता, ये सबका है ना, वो तो पितरों का देवता है। जब जिस समय पर आर्यमा स्वामी पितरों के देवता आर्यमा जी जब कौवे पर बैठकर जाते हैं तो कैलाश पर पहुंचते हैं, और आर्यमा स्वामी जब पितरों के देवता कैलाश पर जाते हैं तो शंकर जी से कहते हैं कि संपूर्ण विश्व में इतने जीव हैं, इन जीवों का कल्याण सहजता में नहीं हो सकता। शंकर जी मुस्कुराकर कहते हैं आर्यमा से कि आप जिस कौवे पर बैठकर आए हो, और आप जिस कौवे पर बैठकर आए हो मेरे धाम के पास में से निकल कर जा रहे हो, उसी तरह संपूर्ण विश्व का जीव जब किसी पात्र को लेकर या जल लेकर मेरे मार्ग पर आएगा, या मेरे रास्ते से निकल कर जाएगा, या मेरे भवन के सामने से भी निकल कर जाएगा, तो उसके पितरों की मुक्ति मैं स्वयं कर दूंगा। केवल शंकर के मंदिर में जाने से मुक्ति नहीं है, शंकर के सामने से निकल जाने पर भी मुक्ति है, या शिव के सम्मुख से शिखर का दर्शन कर निकल जाने में भी मुक्ति है। शिव के मंदिर में नहीं जा सकते तो शिव नाम लेने में भी मुक्ति है, शिव नाम भी नहीं ले सकते तो किसी जनमानस के भीतर विराजमान शंकर को केवल देखकर प्रणाम कर मुस्कुरा कर जाने में भी मुक्ति है, वो शिव।